दिलो दिमाग में जब भी खूबसूरती की कल्पना की जाती है तो चांद हमेशा याद आता है। चांद सा चेहरा, चंद्रमुखी, लेकिन चांद पर भी दाग है, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर ऐसा दाग किसी खूबसूरत लड़की के चेहरे पे हो तो उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे उसकी खूबसूरती नहीं उभरती। हमारे साथ आई हैं जीत, और उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों आई हैं और हमसे क्या चाहती हैं। हेलो जीत। हाय रचना। रचना, मैं ग्लैमर लाइन से जुड़ी हुई हूँ और मैंने पंजाब में काफ़ी फिल्में की है और यहाँ पर भी स्ट्रगल कर रही हूँ। तो जब भी मैं किसी मीटिंग या शूटिंग के लिए जाती हूँ तो मैं येलो बेस लगा के चेहरे पे तो मैं जाती हूँ, तो सब लोग मुझे देख के हंसते हैं कि तुम्हें पीलिया हुआ है क्या, मैं चेहरा कैसे येलो येलो दिख रहा है और कैसे दाग उभर के दिख रहे हैं, तो तुम विदाउट मेकअप क्यों नहीं आती। अगर मैं विदाउट मेकअप जाती हूँ तो बोलते हैं कि फिर भी ऐसा, तो मुझे बहुत इंसल्ट फील होती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप एकदम मुझे ग्लैमर गर्ल बना दो, एकदम चेंज कर दो पूरा मेरा, एकदम पूरा मेकओवर करो, ताकि मैं ओरिजिनल लाइफ में भी एकदम सुंदर दिखूं, और मुझे मेकअप करना भी सिखाइए आप, और पूरा ओवरऑल एकदम चेंज कर दो। डेफिनेटली जीत, हम आपको बनाएंगे ग्लैमरस गर्ल। अब हम आपको दिखाएंगे कि जीत जब अपना मेकअप करती है येलो बेस वाला, वो कैसी लगती है। जीत विदाउट मेकअप जो नेचुरल स्किन है वो कैसी लगती है। मेकओवर करके दिखाएंगे और बताएंगे दैट शी कैन लुक गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल। तो चलिए, तो चलिए हम जीत का मेकओवर करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जीत का फाउंडेशन से शुरुआत करते हैं। फाउंडेशन जिससे जो जीत है उसका फेस एकदम क्लियर हो जाए, उसके सारे पिंपल्स चुप जाएं, उसके सारे कैमोफ्लेज हो जाए, सारे डार्क सर्कल्स एंड ऑल द फ्लॉज व्हिच शी हैज वो सारे चले जाएं। तो सबसे पहले फाउंडेशन शुरू करते हैं। आइए हम उनके बाल पहले बांध लेते हैं ताकि हमें मेकअप में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, और आपकी टी शर्ट खराब ना हो इसलिए मैं यहाँ पर आपको। सो जीत, You are very excited? Yes. तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको अपना बेस जो है वो कैसे करना है, जो आप naturally everyday मेकअप करती हैं। सबसे पहले हम येलो बेस लेंगे और जीत के जितने फ्लॉज हैं हम पहले वहाँ येलो बेस लगाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि जीत के डार्क सर्कल्स हैं, तो हम इसे इस तरीके से लगाएंगे। तो जीत, आप सिर्फ येलो बेस लगा के जाती हैं? हाँ जी, और मुझे कुछ पता ही नहीं। तो आपने कभी भी ऐसे सीखा नहीं है कि नहीं, किस तरीके से मेकअप करना है? नहीं जी। ओके, आपने देखा कि जीत को काफ़ी दाग हैं, तो हम उसके ऊपर भी येलो बेस लगाएंगे ताकि जितने दाग हैं वो चुभ जाएं। जीत, आपके फेस पे भी काफ़ी बाल हैं। हाँ जी। तो आप उसके लिए कुछ करते नहीं हो? नहीं करते हैं, निकलवा नहीं सकती, मुझे दर्द होगा ना अगर मैं निकलवाऊंगी बाल तो। अच्छा, नहीं, इनफैक्ट आजकल लेज़र आया हुआ है जिससे आपके फेस के जो चिन हेयर होते हैं वो निकल जाते हैं, या थ्रेडिंग करवा सकते हो आप। थ्रेडिंग से तो बार बार आएंगे। नहीं, मतलब अगर आप थ्रेडिंग या वैक्सिंग कराते हो तो उससे आपके बाल कम हो सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आते तो हैं लेकिन जाते भी हैं। ओके, नाउ जो येलो बेस लगाया है हमने उसे हम अच्छे से स्मच करेंगे।
ये हम इसी के साथ हमेशा करना होता है इसको स्पंज. हाँ डेफिनेटली, बिकॉज हाथों से क्या होता है कि हम जितना लगाते हैं हम हाथों से ही उसे निकालते रहते हैं. तो स्पंज से क्या होता है कि वो आपके पोर्स के अंदर जाता है. ओके, मैं जब भी येलो बेस लगाती थी तो हाथ से लगाती रहती थी. इट मींस मैं उसी को कुछ ना कुछ वहीं पर गड़बड़ करते थे. लेकिन आज आप सीखने वाले हो कि आपको कैसे मेकअप करना है, राइट? तो आप ध्यान से देखिए कि मैं क्या कर रही हूँ, ताकि आप भी घर पे यही करो. देखिए अभी क्या हुआ, हमने बेस लगा दिया येलो बेस. हल्के से अपर लिप के बाल भी हैं आपको, तो वहाँ पर भी हम अक्सर हो जाता है कि यहाँ डार्क हो जाते हैं ना बिकॉज ऑफ स्वेट, तो आप इसके ऊपर भी लगाएंगे. अब इसके बाद जो आप नहीं करते हो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ. आपको इसके ऊपर आपके क्लोजर स्किन का बेस लेना है. जैसे आपका जो बेस है ये कलर का हुआ और इसे जहाँ फर्स्ट येलो लगाया है वहीं पर ये बेस लगाना, ताकि जो आपका येलो है वो चुप जाए. आप सिर्फ येलो लगाते हो तो येलो इज़ नॉट इनफ. तो आप इस तरीके से सबसे पहले आप अंडर आइज़ में शुरू करोगे येलो और ये लगाने से. हाँ, तो एक नेचुरल स्किन आता है. ओके, तो और आपका येलो भी चुप जाता है. येलो सिर्फ दाग के लिए और ये येलो को छुपाने के लिए नहीं, येलो जो है वो आपके फ्लॉस छुपाने के लिए है. लेकिन जो आपका स्किन कलर है वो येलो तो नहीं है. नहीं, आपका स्किन कलर ये है तो उसके ऊपर आपको ये लगाना है. ओके, ये क्या मतलब? ये मतलब जो फाउंडेशन हम लगा रहे हैं, आपकी स्किन कलर का फाउंडेशन लगाना है. स्किन कलर का? हाँ, जो भी आपकी स्किन. अगर आप फेयर होते तो हम लाइटर कॉम्प्लेक्शन का बेस लगाते, अगर आप डार्क हो इसलिए हम आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन का बेस लगा रहे हैं, जिससे आपके सारे फ्लॉज चुप जाए और आपकी जो स्किन है वो एक जैसी लगे. ओके, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपके फेस में इतने पिंपल्स आए क्यों? एक्चुअली एक तो गर्मी की वजह से, क्योंकि पंजाब का मौसम ठंडा है, यहाँ गर्मी है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से. और दूसरा, जब मेकअप करती हूँ शूटिंग में तो उसका रिएक्शन भी हो जाता. बहुत सॉफ्ट सेंसिटिव स्किन है ना, इसलिए. आप जब भी मेकअप करते हो तो अच्छे ब्रांड का मेकअप आप यूज़ कीजिए. कोई भी ऐसे इन लाइक ऐसे हल्का ब्रांड मत यूज़ कीजिए, बिकॉज जो अपना स्किन होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू शुड यूज़ अ नाइस कंपनीज प्रोडक्ट. तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी लेने जाओ तो अच्छी नामचीन कंपनी का ही प्रोडक्ट यूज़ करें. अब आपका बेस हो गया है, लेकिन सिर्फ लगाया है, हम इसे ठीक से मिक्स करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है मिक्स करना. अगर आप ठीक से अपने बेस मिक्स नहीं करते हो तो बहुत पैची लगता है. तो मैं आपको सिखाऊंगी कैसे मिक्स करना है. देखिए, सबसे पहले आप अपने फॉरहेड पे कॉन्सेंट्रेट करोगे और अंडर आईज में हमेशा ऐसे डैब कीजिए ऐसे. ओके, ऐसे ऐसे करते हैं. तो आप पिंपल्स के लिए क्या करती हैं उसे ठीक करने के लिए? पिंपल के लिए मैं एलोवेरा एक मार्केट से लेके आई हूँ, क्रीम वो लगाती हूँ और अच्छे से रात को साफ करके चेहरे को रखती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीती हूँ. और आप बताइए करना क्या चाहिए. मुझे तो इतना पता है, इतना कर लेती हूँ. आप बाकी आप बताइए. आईज़ बन गई थी. डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगी कि आपको अपनी फेस किस तरीके से रखना है. सबसे पहले तो जो आप मेकअप निकालते हो, हाँ जी, जब आप कोई शूटिंग पे या आप रोज मेकअप लगाते हो तो उसे निकालना बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए. अगर आप मेकअप को किसी भी तरीके से थोड़ा सा भी रह जाता है आपके स्किन पे तो वो पिंपल्स बन जाता है. तो आपको जो आप जब क्लेंजिंग करते हो तो एटलीस्ट 2-3 times यू हैव टू क्लेंज योर फेस वेरी नाइसली. और उसके बाद आपको टोनर लगाना चाहिए. okay. जिससे आपके जो फेस में जितना मॉइस्चर निकला है वो आ जाए. okay. हम अब ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लगाएंगे येलो बेस. okay. जो हमने अपने आपको बेस किया है उसके ऊपर ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लगाएंगे. ये इसे लगाते हैं, खूब सारा लगाएंगे आपके फेस पे, बिकॉज आपका जो फेस है उसमें काफ़ी हमने लेयर्स ऑफ मेकअप किया है, बहुत थिक बेस किया है, तो इसे हम खूब सारा लगाएंगे ताकि वो इवन लगे. रचना, जब हम मेकअप रिमूव करते हैं तो उसको ऑयल से करना चाहिए रिमूव या क्रीम से? क्रीम से. ऑयल से कभी नहीं करना चाहिए? ऑयल से, आपका स्किन ऑलरेडी ऑयली है ना, तो अगर आप ऑयल से करोगे तो आपका स्किन बहुत ऑयल सीक्रेट करेगा ना अंदर, तो उसके वजह से आपको पिंपल्स और ऑयल रह जाता होगा. आप ठीक से वॉश नहीं करते होंगे इसलिए आपको पिंपल्स आते हैं. सो मार्केट में कितनी सारी क्रीम अवेलेबल है,
जिससे आप फटाक से अपना मेकअप निकाल सकते हैं। ओके, तो मैं एक्चुअली ऑयल लगाती थी, उसी वजह से भी हो सकता है। ओके, अब हम क्या लगा रहे हैं ये आपका जानना बहुत जरूरी है। ये क्या लगा रहे हैं? वो येलो, येलो बेस पाउडर हमने लगा दिया। ओके, अब हम लगा रहे हैं शिमर। शिमर बिकॉज आपके फेस में थोड़ी सी ग्लो आ जाए और आपका जो स्किन है वो काफ़ी ग्लोई एंड अच्छा लगे, इसीलिए हम बहुत सारा शिमर पाउडर डालते हैं फुल फेस पे। तो आप भी डाल सकते हो आईज के ऊपर भी थोड़ा, ये ग्लो के लिए, तो आपका फेस थोड़ा सा ग्लोई लगे। अब बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, इस स्प्रे। अब हम स्प्रे करेंगे। ओके, क्लोज योर आईज। आप पूछोगे कि मैंने आपको स्प्रे क्यों किया, बिकॉज हमने जो मेहनत की आपको लगेगा कि वो निकल गई है, लेकिन ये वाटरप्रूफ मेकअप होता है और ये बिल्कुल नहीं निकलता। सिर्फ एक इवन टोन एक स्किन में आ जाती है, जिससे आपका जो स्किन का जो मेकअप किया है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो अब आपका जो बेस है वो हो चुका है, लेकिन मैं आपको चाहती हूँ कि आप आपका थोड़ा सा कैजुअल लुक हो, इसलिए क्लोज योर आईज। तो हल्का सा मैं पिंक कलर का जो है बेस वो आँखों के ऊपर लगाती हूँ, जस्ट लिटिल, सो दैट इट लुक्स लाइक अ फ्रेश थिंग, एंड हल्का सा चीक्स पे, ताकि आपको पता चले कि आप रोज कैसे मेकअप करो जब आप मीटिंग्स में जाते हो। ये जो आप लगा रहे हैं ये क्या है? क्रीम ब्लशर। क्रीम ब्लशर जी। तो ये आईज के ऊपर और चीक्स पे। और इसके बाद हम हल्का सा लिपस्टिक लगा देते हैं, ताकि आपको पता चले कि आप कितनी खूबसूरत लग रही हो। तो आपका हो गया है मेकअप, बेस, ओनली बेस। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को देखें, ये कैजुअल लुक है या पार्टी लुक? जैसे आप हमेशा मेकअप करते हैं, अपना येलो बेस लगा के जाते हैं, आप अब देखें कि आप कैसे लगते हैं। कैजुअल लुक। यस, सो दिस इज यू, हाउ यू लुकिंग? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत कर दिया आपने तो, बहुत सुंदर। आपका स्किन कितना सुंदर लग रहा है, राइट? एकदम टोटल चेंज लग रही हूँ मैं। आपके पिंपल्स नहीं दिख रहे, कुछ भी नहीं एकदम। तो आप ऐसे ही मेकअप करना जब भी आप बाहर जाओ। ओके, पक्का मैं अब तो ऐसे ही करूंगी, नेचुरली इतनी सुंदर लगूंगी तो ऐसे ही करूंगी ना। डेफिनेटली यू आर वेरी प्रिटी। दोस्तों, देखा आपने किस तरह जीत के चेहरे पर आए दाग धब्बों को मेकअप के माध्यम से बड़ी ही सफाई से छिपा दिया गया है। कैजुअल मेकअप से जीत का लुक बदला बदला नजर आ रहा है, लेकिन मेकओवर के लिए हेयर स्टाइल और हेयर कट करना अभी बाकी है, जिसे हम देखेंगे सौंदर्य के अगले एपिसोड में।